say that I'm maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out, yeah, on my own. Keep going. तो स्वागत है ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? तो होप सभी आप सभी बढ़िया होगा। तो भाई लोग यार बढ़िया है ना। तो यार आज के वीडियो में वापस से खेलने वाले हैं गाइस गैंगस्टर वेगास। तो आप सबको पिछले एपिसोड में याद होगा कि यार हम लोग जो थे मतलब यहाँ पे लास वेगास में जो है एक इलेक्शन हुई थी, और जिस इलेक्शन का मतलब भाई हम लोगों ने भाई यहाँ पे हमारा जो ये जो एक औरत जो है वीरा भाई, वो उसने भाई मतलब उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और उसमें जो है अभी इलेक्शन का रिजल्ट बहुत पहले ही आ चुका है, और लेकिन जिसमें जो गाइस हमारी बुरी तरह से मतलब एक्चुअली वो तो हार होती है, ठीक है। और ये हार मतलब एक्चुअली होता है कि उस एपिसोड में हम लोग ये भी करते हैं कि एक गैंग होता है, ठीक है। तो वो गैंग क्या होता है, कौन सा होता है, तो भाई हम लोग उस गैंग से भी छोटे मोटे पंगे ले लेते हैं। तो वो हम लोग कौन से पंगे लेते हैं भाई, वो आप जो है पिछले वीडियो देख के आप पता लगा सकते हो। तो भाई पिछले वाली वीडियो देख लो यार, ठीक है, क्योंकि वाली वीडियो देखना भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप ये वाली एपिसोड समझ पाओगे, ठीक है। तो एक्चुअली होता ही है कि भाई इलेक्शन का जो वहाँ पे जो होता है, तो अब जो है हम लोग जब हार जाते हैं तो एक्चुअली होता है कि ना भाई वीरा ने बहुत सारे पैसे लगा के रखते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये जो इलेक्शन होता है ये मेनली अंडरग्राउंड का एक टाइप का बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मेरे को उतना कुछ सीन तो मेरे को कुछ खास अच्छे से पता है नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे अभी हुआ है कि एक्चुअली ये था कि भाई फ्रैंक का है ना, वो इस बार भी वही इलेक्शन जीत चुका है और पूरे लास्ट वेगास में अपना दबदबा वापस से जमा के रखा है। और हमारा जो पहला वाला जो अड्डा था तो वहाँ पर बहुत खतरा है, क्योंकि भाई जिस गैंग के साथ हमने पंगे लेके रखे हैं, ठीक है, वो गैंग और फ्रैंक अभी दोनों मिल चुके हैं। और अभी ये दोनों मिल के जो है अभी वीरा को खोज रहे हैं, इसलिए हम लोग को वापस से अब जब थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने जो अपना गेटअप चेंज करा है तो भाई ये भी अब एक्सपोज हो चुका है, तो मेरे को और थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। और भाई यहाँ पे हैवी ड्राइवर भाई, क्या भाई, और लोग मुझे कहते हैं मैं हैवी ड्राइवर हूँ। फिलहाल यहाँ पे भाई पुलिस का भाई साथ चलना सही नहीं रहेगा फिलहाल अभी, क्योंकि भाई अभी हम लोग जो है मतलब काले काम करते हैं, और भाई पुलिस के आसपास जितना हो सके उतना हमें उन लोग से दूर रहना है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे अभी हम लोग जाने हैं एक डैम के पास, क्योंकि भाई फ्रैंक का कुछ है, ठीक है। अभी हमें जस्ट मतलब हम मतलब फ्रैंक का कोई बंदा डैम के पास गए, कुछ तो करने वाला है, ठीक है। अब फ्रैंक का फिर उस गैंगस्टर का कोई बंदा है, ठीक है, तो हमें जल्दी से उसे रोकना पड़ेगा, रोकेंगे क्या उसे डायरेक्ट ठोकना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई जल्दी से चलो डैम के पास, क्योंकि भाई अगर भाई वो बंदा कुछ तो भाई गलत ही करने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहा तो अभी हमें जो है कैरन की तरफ से कॉल नहीं आता, ठीक है, और कैरन ने हमें बुलाया भी है। तो अभी जल्दी से वहाँ चलते हैं उससे पहले, और उसके बाद उस डैम वाले को पहले ख़त्म करते हैं। तो डैम के पास हम लोग जा ही रहे गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा टूर थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, डैम का। और दूसरी बात ये है कि भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल पढ़ने हो। तो यहाँ पे हम लोग डैम के पास तो आ चुके, और भाई यहाँ पे गाड़ी भाई लगता है यही बंदा होगा, जल्दी से उतरो भाई, डायरेक्ट ठोकना स्टार्ट करेंगे। और भाई ये बंदा यहाँ पे आया था, और भाई मेरे को देख के अरे गन निकल जा भाई जल्दी से, और यहाँ पे भाई मारो ठोक ठोक आई भाई अरे भाई मैं अच्छा चल बच गया मैं, और भाई मेरे को ठोक रहा है। तो चलो यहाँ पे भाई तो भाग निकला वैसे, कोई बात नहीं, हम लोगों ने भाई कोशिश करा। वैसे वो जिस काम से आया था वो काम तो भाई उससे हो नहीं पाया, मतलब हमने करने नहीं दिया, लेकिन वो आ तो गया था भाई, ठीक है, एग्जैक्ट भाई सही ड्राइव टाइम पे हम लोग यहाँ पहुँचे थे। वैसे यहाँ पे उसको पता नहीं कौन सा काम था वैसे, वेल जो भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग वहाँ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई अभी जस्ट हमें जो है मतलब इसका वीरा का कॉल आ रहा है, तो वीरा भी हमें कह रही है कि भाई जल्दी आओ, ठीक है, क्योंकि भाई उसे जो है कुछ काम है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने भाई यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमें ईमेन मिल रहा है, और ईमेन अभी हमें कुछ कार के बारे में मतलब बात चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो वैसे यहाँ पे जो है कुछ चार्लोट और लाइक कुछ तो फ्रैंक का ही है, ठीक है। तो मेरे जितने ख्याल से मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन के पता चले कि भाई यहाँ पे अभी ईमेन और ये मिल गए, मतलब ईमेन ने हमें बताया कि भाई यहाँ पे एक फ्रैंक का एक कार है, ठीक है। वो कार जो है हमें मतलब वीरा ने कहा है कि भाई उसे उठाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई फ्रैंक का वो कार है तो भाई उसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दो गई, और मैं भी उस कार में कुछ हो तो अभी हमें जल्दी से जाना है, उस कार को उठाना है और उसको फिर लेके वीरा को दे देना है, ठीक है। तो चलो यार, तो फाइनली हम लोग उस फैक्ट्री के पास आ चुके हैं, और अभी जो है यहाँ पे भाई एक्चुअल में भाई मेरे को कार वर्ड देख के लग रहा है कि भाई
यहाँ पे बंदे होंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा सावधान भड़कना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी जैसे मैंने आपको पहले बोला कि भाई यहाँ पे भाई फ्रैंक बहुत घटिया टाइप का आदमी है लिटरली, मतलब भाई गुंडे भाई छोड़ते थे अपने भाई पैर, दूसरे वीडियो में देखा होगा कि भाई कितने सारे भाई गुंडे भेज दिए थे बस मुझे मारने के लिए, वो भी एक मैच हारने का कारण। ओ आ गया भाई, तो क्या आते हैं भाई ये लोग भी, सही है भाई इन लोग के लिए भी, मतलब है भाई ये लोग भी काले बंदे। तो यहाँ पे भाई मेरे को ये लैम्बोर्गिनी चुरानी है जो कि रेड कलर की, तगड़ी भाई है ये, सही है भाई काफ़ी सही कार है वैसे। तो भाई सब बताए कूदना स्टार्ट करते, ज़्यादा गुंडे हैं वैसे चारे बंदे तो आराम से निपटेंगे। तो भाई चलो खत्म टट्टा बाय बाय, चलो भाई वैसे ब्लैक होने का भी तगड़ी है वैसे, हमें जो है रेड लैम्बोर्गिनी लेनी है, तो चलो यार उठाओ जल्दी से, जल्दी यहाँ से कल्टी मारो ठीक है, क्योंकि भाई अभी यहाँ सिर्फ चार बंदे हैं, क्या मैं भी आगे चल के भाई 10-20 और आ जाए, वैसे जल्दी यहाँ से जितना हो सके उतना से कल्टी मारते हैं, क्योंकि भाई मुझे ज़्यादा फाइट नहीं लेनी है ठीक है। चलो यार भाई यहाँ पे स्पीड देख लो भाई स्पीड, और भाई ओ भाई 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 कंट्रोल नहीं हो रहा है भाई सीरियसली भाई, इतने से मैं स्लो भाई कार चलाता था, मुझे लगता था भाई ये है तगड़ी स्पीड है, देख भाई इसकी स्पीड देखने में समझ गया भाई कि सुपर कार की इसमें गेम में जो है स्पीड काफ़ी तगड़ी है ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर से ठोका, दो मिनट ठोक दिया भाई इसको, और मेरे को भाई से सही सलामत वापस वीरा के पास भी लेके जाना है, तो भाई मेरे को ज़्यादा ठोकर नहीं करना। तो भाई यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हाईवे के पास, तो भाई यहाँ पे मैं अच्छा चला रहा था लेकिन बीच में फिर ट्रैफिक देख के, और वैसे भाई मैं थोड़ा सा लॉन्ग कट ले रहा था, मेरे को शॉर्ट में यहाँ पे मैं मेरे को शॉर्ट रास्ता दिख गया है, तो मैं ये छोटा सा रास्ता ले लेता हूँ, बस मेरे को बस हो गया, बस मैं पहुँच गया चलूँगा ठीक है भाई, इतना घुमाने अच्छा गया ये तगड़ा छोटा सा रास्ता, अब मेरे को भी अच्छा खासा भाई जगह पता चल गया कि भाई कौन सा जगह कहाँ पे क्या है ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी हम लोग जाते हैं वीरा वीरा से जो बात जो भी करना है अभी कर लेंगे। यहाँ पे कार्स का कार यहाँ पे एक यहाँ पे शोरूम, तो यहाँ ही वही जगह है जो सोच रहे हो कि यहाँ पे ईमेन का यही गैराज है, यहाँ पे हम लोग कार को जो है इलीगल जो हम लोग चोरी करता था तो उसी को हम लोग यहाँ पे आके बेचते हैं ठीक है, और वैसे कार्स को बेचते होंगे। तो यहाँ पे भाई वीरा ने यहाँ पे लेके चली गई भाई, मतलब कोई इज्जत ही नहीं अपना, बल यहाँ पे अभी बोल रहे कि भाई तुम जितना जल्दी हो सके तुम कैरम के पास जाओ, तो ठीक है भाई अपना का यहीं तक साथ था, ईमेन को टाटा बाय करते हैं भाई, ये अपना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें देता है। बल अभी हम जाना पड़ेगा कैरम के पास, तो जल्दी से चलो जितना जल्दी हो सके मैप खोलो कैरम का लोकेशन खोजो और चलते हैं कैरम के पास। तो यहाँ पे भाई अभी हम लोग कैरन के पास आ चुके हैं, और यहाँ पे कैरन से हमने बातचीत करा, और भाई कैरन अभी कह रही है कि भाई फ्रैंक जो है अभी फ्रैंक के कुछ हमें क्या बोलते हो फैक्ट्री में, मतलब उसका एक कुछ होता है ना, मैं उसे बॉम्ब प्लांट करना है, तो भाई बॉम्ब प्लांट करने का मेरे को उतना कुछ तो पता नहीं चला, मतलब क्लियरली कि भाई क्यों करना है, लेकिन बस मैंने इतना बताया कि भाई जितने गुंडे मिलेंगे जितना भी हमें जो भी कुछ मिलने वाला है सबको उठा के हमें ठोकना है, और उस जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें बॉम्ब प्लान करना है और उसे फोड़ देना है। तो भाई ये जो है ये मिशन मेरे को एक्चुअल में अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग मिशन लगा है ठीक है। तो भाई कसम से भाई बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम भाई इधर तक मिशन करने वाला हूँ, तो एक्साइटेड ठीक है। चलो यार जल्दी से जल्दी हो सके, तो हमें यहाँ पे हम लोग अपना जो होलिया बदले नहीं है, वैसे हम लोग इस वैन टाइप की इसलिए हमने लिया था कि भाई एक्चुअली उतना हमें कोई अच्छे से मतलब होता ना कि वैसे किडनैपर वाली कार है वैसे खो जो भी है ठीक है, मेरे को उतना नहीं पता भाई क्यों हमने वैन मतलब किडनैपर वाला कार चूज़ किया है वैसे मेरे को उतना। तो यहाँ पे भाई अपना फुल स्पीड में जैसे दरवाज़ा बंद है और यहाँ पे गार्ड्स भी है, लेकिन ठोक डालो साले को, सही है भाई एंट्री तगड़ी है, और यहाँ पे गन भी अपने हाथ में दाएं से गोट ठोकते जाएंगे और कुछ नहीं करना है अपन लोगों को। चल भाई काफ़ी सही, और यहाँ पे भाई एम किधर कर रहा हूँ मैं, किसको मार रहा हूँ उसको भाई कैरन संभाल रही है, मैं अपना दूर वाले को ख़त्म किया मैंने, तो सही है। चलो भाई यहाँ पे दो बंदे आराम से भाई कैरन के साथ भाई काम करने में लिटरली में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि भाई कैरन जो है अपने आप को सपोर्ट भी करती है, मतलब जिस बंदे को मैं नहीं मार रहा होता उस बंदे को भाई वो अच्छे से सपोर्ट करके आसानी से भाई पेल देती है, सही है भाई काफ़ी सही बंदी है। और यहाँ पे आगे अपना बरना है कैरन, तो अपने पीछे पीछे ओह आगे 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 तीन बंदे आ गए, और इसको भाई एक को हमने ठोक डाला है, और इधर दो ख़त्म, और यहाँ पे भाई चलो तीसरा भी ख़त्म हो चुका है,
अपना ये वाला गन भी ना काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। वैसे ये दिखने में भी काफ़ी सॉलिड है और यूज़ भी अच्छा सा होता है, बस ज़्यादा गोलियाँ यूज़ होती है इसमें, मतलब होता ना। और अब मेरे को बुलेट की तरह से फायर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वेल छोड़ो जो भी है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ओहो हो हो, हमें कैन के पास चलना पड़ेगा। सही है सही, चल आ जा जल्दी भाई, आ जा आ जा, हमें आगे भी बढ़ना है। वैसे हमें भाई बंदे का अच्छा ध्यान रखना, क्योंकि भाई अपना भाई यहाँ पे हेल्थ नाम की भी चीज़ होती है, तो उसे हमें ख़त्म नहीं करना। ओ यहाँ पे और बंदे आ गए भाई, कवर लो, सबसे पहले कवर लो यार कैन। भाई ये कैसी लड़की है भाई, डायरेक्ट बिना कवर लिए भाई फाइट करती है। भाई मेरा इसमें इज्जत का कचरा हो रहा है। और यहाँ पे और एक बंदा आ रहा है, दूर से भाई मारोगे, पास से नहीं मार पाए तुम, दूर से मारोगे। खैर जो भी, अभी हम आगे बढ़ते हैं वापस से। और भाई इसी तरह हम लोग भाई यहाँ पे फाइट करते रहते, लंबे लंबे से तगड़ी वाली फाइट भी चलती है। और भाई बहुत हम लोग भाई मरते, एक्चुअली होता है ना सीन काफ़ी तगड़ा वाला होता है, ठीक है। तो खैर जो भी है, लेकिन फाइनली हम लोग जो अपना जो टास्क होता है हम लोग जा रहे होते। तो कह यार अभी हम लोग वो टाइम आ चुका है जहाँ पे हम लोग बॉम्ब प्लांट करने वाले, और यहाँ पे हम लोगों ने बॉम्ब सेट करा और अब हम लोग वापस नीचे आ रहे हैं भाई। और लिटरली देख सकते हो धूम। तो चलो यार, मतलब लिटरली भाई ये वाला मिशन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो होप करते हैं आपको भाई हमारी ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि भाई एक्चुअल में जो है ना ये वाला मिशन भाई को लिटरली भाई बहुत मज़ा आया इस पर जो भी। वेल तो चलो यहाँ पे अपना कैन के साथ ही अपना बातचीत यहाँ पर चल रहा है, वो भी चलता रहेगा। तो भाई यार तो ये था हमारा मिशन, तो होप करता है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। फिर अगर हम चल पड़े तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।